महिलाओं का जैसे ही नौवां महीना स्टार्ट होता है, महिलाओं के मन में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि मेरी डिलीवरी कब होगी। कैसे पता चलेगा कि डिलीवरी अब होने वाली है? क्योंकि फ्रेंड्स, नौवां महीना लगते ही इंतज़ार की जो घड़ियां होती है ना, वो ख़त्म होने वाली होती है। सब्र जो होता है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला होता है। फिर बस महिलाओं को ये लगने लगता है कि अब उनका बेबी जो है बस उनके पास आ जाए जल्द से जल्द। तो बस उनको लेबर पेन का वेट होता है कि लेबर पेन आ जाए, डिलीवरी के कोई भी लक्षण उनको दिखने लगे और वो उनका जल्दी से बेबी उनके पास आ जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी नौवां महीना चल रहा है तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे लक्षण मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आप तुरंत पहचान लोगे चुटकियों में कि आपकी डिलीवरी में अब मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 दिन या 24 घंटे तक का ही टाइम बचा हुआ है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो कौन से ऐसे सिम्टम है, चलिए जानते हैं। उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक भी कर लीजिएगा। सो मेरा नाम रेशो, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इस नए वीडियो में और स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, पहला लक्षण जो आपको नजर आएगा जब आपकी डिलीवरी में मुश्किल से मुश्किल 24 घंटे ही बचे होते हैं, इस समय आपका वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। मतलब आपको प्राइवेट पार्ट से डिस्चार्ज की दिक्कत होने लगेगी। कैसा डिस्चार्ज होगा? हो सकता है ड्रॉप ड्रॉप करके पानी जैसा आपको डिस्चार्ज हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी पैंटी गीली हो सकती है, या फिर आपको एक थिक जैसा बलगम जैसा डिस्चार्ज भी हो सकता है जो कि म्यूकस प्लग होता है, जो आपके बच्चेदानी के मुंह पर लगा होता है और जैसे ही आपका डिलीवरी का समय नज़दीक आता है म्यूकस प्लग अपनी जगह छोड़ देता है और प्राइवेट पार्ट के रास्ते बाहर आ जाता है। ये आपको यूरिन करते समय नज़र आ सकता है या आपकी पैंटी पर भी नज़र आ सकता है। ठीक है, तो ये दो तरीके के डिस्चार्ज आपको हो सकते हैं जब आपकी डिलीवरी में 24 घंटे तक बचे होते हैं। इसके बाद है दूसरी चीज़, आपको बहुत ज़्यादा यूरिन पास करने जाना पड़ेगा। पहले जैसे कि आपको यूरिन पास करने जाना पड़ सकता था आधा घंटे या एक घंटे में, लेकिन अब क्या होगा, यूरिन बहुत ज़्यादा ही आने लगेगा। आपको हर 10 मिनट में 15 मिनट में यूरिन पास करने जाना पड़ सकता है। साथ ही साथ इस टाइम पे हो सकता है कि आपको लूज़ मोशन भी होने लगे। अगर आपको लूज़ मोशन की दिक्कत होने लगी है तो ये सिम्टम भी इंडिकेट करता है कि आपकी डिलीवरी अब 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगी। इसके बाद है तीसरी चीज़, आपको कॉन्ट्रेक्शन बढ़ने लगेंगे। कॉन्ट्रेक्शन मतलब कि आपके पेट में, कमर में अचानक से मरोड़ जैसी महसूस होने लगेगी, ऐठन टाइप की महसूस होने लगी। ये कमर से घूमकर पेट तक और पेट से घूमकर कमर तक आएगी। ये जो पेन है शुरू में आपको रुक रुक कर होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये पेन आपको ज़्यादा होने लगेगा, तेज़ी से होने लगेगा। जैसे कि 1 घंटे में 4 से 5 बार तक ये पेन आपको आने लगेगा। ठीक है, तो ये भी सिम्टम होता है कि आपकी डिलीवरी 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगी। इसके बाद लास्ट सिम्टम होता है वाटर ब्रेक। वाटर ब्रेक यानी कि आपकी पानी की थैली फट जाना। पानी की थैली जब फट जाती है तो आपके प्राइवेट पार्ट के रास्ते से अचानक से काफ़ी सारा पानी निकलने लग जाता है। ये जो पानी होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है और ये हल्का सा गर्म महसूस आपको हो सकता है। तो ये इंडिकेट करता है अब आपकी पानी की थैली फट चुकी है, मतलब बच्चा जिसमें रहता है वो पानी की थैली अब फट गई है और वो पानी बाहर निकलने लगा है, एमनेटिक फ्लूड बाहर निकलने लगा है। ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि आपको चाहे पेन आए या ना आए, हॉस्पिटल जाना ही जाना है। हॉस्पिटल जाने के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि पानी जब ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है तो अंदर गर्भ में जो बच्चा रहता है उसके चारों तरफ पानी होता है, उसमें कमी आने लगती है क्योंकि वही पानी बाहर निकल रहा है। तो इससे फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं बच्चे की हेल्थ के लिए। ठीक है, तो जैसे आपको लगे कि पानी काफ़ी सारा निकलने लग गया है, आपके कपड़े गीले होने लगे हैं, तो तुरंत हॉस्पिटल भागें। रास्ते में जाते ही जाते आपको लेबर पेन आ जाए या हॉस्पिटल पहुंचते लेबर पेन आ जाए, इसमें वेट बिल्कुल ना करें लेबर पेन का, क्योंकि इससे बच्चे के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। इसके साथ ही कुछ और ज़रूरी बातें, जैसे कि अगर आपके बच्चे की हलचल एकदम से बंद हो जाती है 9वें महीने में, बिल्कुल भी बच्चा हलचल नहीं करता है, तो भी आपको हॉस्पिटल भागना है। और अगर आपको ब्लीडिंग दिखती है, स्पॉटिंग नज़र आती है, तो भी आपको हॉस्पिटल जाना है। ये डिलीवरी होने के ही लक्षण होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए वीडियो। मिलती हूँ आप सबसे अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।